मन की बात में तो कई विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ है और काफ़ी प्रेरणा हम सबों को देता जा करके है और लंबे समय से मैं सुनने का मौका मिला है। और दो जो महत्वपूर्ण बात देखा हमने है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को पूरे दुनिया में योग दिवस जो मनाया गया है उसकी चर्चा उन्होंने की जा करके है। योग का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा पर्यावरण के बारे में कहा है। आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रहा है, मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के कारण हमारा कृषि प्रभावित हो रहा है, आम लोग परेशान हो रहे जा करके हैं, वर्षा कम हो रही है, समय पर नहीं हो रही, कृषि हमारा प्रभावित हो रहा है, आम लोग का मतलब जो हाल में गर्मी पड़ी है, ये वास्तव में मैं देख रहा हूँ, मुझे याद से मैं देख रहा हूँ, हीट वेव के कारण अनेकों जान चली गई जा करके है। उससे निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम से लगाने का जो उनका अभियान है उसमें पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से पूरे बिहार में हम 2 करोड़ पेड़ लगाने जा रहे हैं और पेड़ पहाड़ों पर लगाएंगे, नदियों के किनारे लगाएंगे, सड़कें जो है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रेलवे परिसर हैं, सरकारी स्कूल हैं जाकर के, अस्पताल हैं, सभी परिसरों को हरा भरा करने की हमारी योजना है। यह अभियान हमें शुरू कर दिया है, कल से वन महोत्सव शुरू हो रहा है, पूरे बिहार में 1 महीना वन महोत्सव चलेगा। इसी अभियान के तहत हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और बिहारवासियों के सहयोग के लिए हम कर रहे हैं क्या कुछ उनका भागीदारी हो, हम पर्यावरण मुक्त बनाने भी जा रहे हैं कि आने वाले समय में एक चुनौती जो पर्यावरण का है अवसर बदलकर सभी के सहयोग से उन योजनाओं को सक्सेस कराने में, योजनाओं को पूरा कराने में हम मदद लेंगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हल्लाबंद है, तो इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो पिछली सरकार में भी थी जाकर आज भी थोड़ी बहुत मैं देख रहा हूँ, अंतर यही कि उस समय की सरकार जब RJD की सरकार हुआ करती थी तो अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होता था। हम सरकार में जब आए हैं अपराधी घटनाएं घट रही है, हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, SPD ट्रायल चला कर सजा देने का काम कर रहे हैं और उस समय संरक्षण देता था RJD सरकार में, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं, हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। नीट मामले को लेकर लगातार जो है जांच की कार्रवाई चल रही है, भारत सरकार के द्वारा नीट के मामले में जो विषय आया है CBI जांच कर रही जा करके है, साक्ष्यों के आधार पर लोग पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, जिनकी संलिप्तता रही है वो बचेंगे नहीं। सरकार ने मन बना लिया है जो भी ऐसे लोग हैं जिनके वजह से जो आज विषय जो आए हैं नीट के मामले में जो समय से पहले सारा लीक हो गया करके, ये हम सबों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और केंद्र सरकार के द्वारा समय रहते इस पर कार्रवाई की जा रही है, अधिकारी हटाए गए हैं और आगे जल्दी ही जो संलिप्त लोग हैं उनके संबंध में सरकार कड़ा से कड़ा विधि सम्मत जो कानून हमारा है उसके तहत मतलब उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लगातार पुल गिरने का मामला, देखिए बिहार में पुल जो गिर रहे हैं पिछली सरकारों को गलती कारण गिर रहे हैं, यानी NDA सरकार के पहले सरकार बिहार RJD की थी जाकर के 15 वर्षों में लालू की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने पुल निर्माण के मामले में मेंटेनेंस और पॉलिसी लाने का नहीं ना काम किया, उसके कारण आज पुलों का लाइफ कम हो गया है। सरकार जांच करा रही है, पुल गिरने का जो मामला सामने आया है जो संलिप्त समय संवेदक हों, अभियंता हों, जो दोषी पाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जब पिछली सरकार लालू की सरकार जब बिहार में थी और ध्यान दिए होते पुल इतना गिरता नहीं, इसकी जवाबदेही लालू सरकार की रही है।